हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिका एंड वान्यास वर्ल्ड। तो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना मीशो शॉपिंग हॉल। मैंने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं मंगाए हैं मीशो से, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट शॉपिंग है। मैं बस इसे ट्राई कर रही हूँ कि जो वहाँ से जो भी चीज़ हम मंगाते हैं या प्रोडक्ट हम जो भी मंगाएंगे, क्या वो आगे सही आएगा या नहीं, तो वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मेरे से एक्चुअली फ्रेंड काफ़ी लोगों ने कहा था आप एक बार मीशो ट्राई करो, बाकी वेबसाइट्स की अपेक्षा आपको मीशो पे जो है रेट प्राइस वगैरह बहुत ही कम मिलते हैं। तो मैंने इसीलिए ये शॉपिंग मीशो से करी है। और मैंने जो ये प्रोडक्ट मंगवाया है मीशो से, ये और वेबसाइट्स पे काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट का है। आप ये सोच लीजिए कि डबल है इसका जो कॉस्ट है मीशो के अलावा। तो यही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी फ्रेंड, कि मैंने जो प्रोडक्ट मंगाया है क्या वो सही है या नहीं है। तो फ्रेंड चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, और साइड में एक बेल आइकन है उसे प्रेस करें, जिससे आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, ये है मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट जो कि मैंने मीशो से परचेज किया है। ये है वॉल शेल्फ। मैं काफी टाइम से सोच रही थी वॉल शेल्फ मंगवाने के लिए। काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट की है वॉल शेल्फ, तो मुझे ये मीशो पे काफ़ी कम रेंज में मिली है, तो मैंने इसी को मंगवाया है। और ये 4 लेयर में है वॉल शेल्फ। और फ्रेंड मैंने इसके अभी तक अनबॉक्सिंग भी नहीं करी है, ये जैसा आया वैसा ही मैंने छोड़ दिया था। और मैं आज आप लोगों के साथ ही इसे शेयर करूँगी कि कैसा निकलेगा ये अंदर से, मुझे भी नहीं पता है। तो चलिए मैं इसको अनबॉक्सिंग करती हूँ, तो देखते हैं फ्रेंड्स कैसी निकलती है वॉल शेल्फ अंदर से। पैकेजिंग काफ़ी अच्छी आई है इसकी, काफ़ी अच्छे से पैक करके भेजा है। और जो वॉल शेल्फ के दोनों तरफ के कॉर्नर्स थे उनको एक फाइबर शीट से पैक करा हुआ है, कि कोई भी वॉल शेल्फ का जो कॉर्नर है वो टूटे नहीं और किसी भी तरीके से जैसे पेंट वगैरह जो है वो हटे नहीं इस पे से। तो पैकेजिंग जो है वो काफ़ी अच्छी है इसकी। तो देखते हैं कि इसमें कितने पीसेस निकले हैं, क्या है। और इस तरीके से इसमें ये नट बोल्ट दिए हुए हैं वॉल पे इसको लगाने के लिए। तो फ्रेंड इस पे देखिए, ये 4 लेयर की ही आई है जैसे मैंने पिक्चर में थी। ये इसमें ये 2 कलर्स हैं, एक थोड़ा सा वुडन कलर है और एक ये वाइट कलर है। और इसके 4 रैक्स के लिए ये 4 मिले हैं, और बैक साइड में इसके लिए ये 2 वुडन्स मिले हैं, ये बैक साइड में है। और 4 जो रैक हैं वो हम इस तरीके से यहाँ पे लगाएंगे। तो ये इसकी जो फिनिशिंग वगैरह है वुड की, वो भी काफ़ी अच्छी है और बिल्कुल सही निकला है ये। कहीं से भी कोई भी कट नहीं है और ना कहीं से पेंट हटा हुआ है, और काफ़ी अच्छा इसका जो मटेरियल है वो निकला है वुड का। और बाकी ये जो 4 सेल्फ हैं इसका भी काफ़ी अच्छा निकला है। और देखिए फ्रेंड, इसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये होल दिए हुए हैं, जो कि मैं अपनी इस वाली रैक में कहीं पे भी 2 पॉइंट्स के अंदर कहीं पे भी इसको एडजस्ट कर सकती हूँ, ऐसे और इस टाइप से कहीं पे भी। तो ये काफ़ी अच्छा आया है। सेम ऐसे ही फ्रेंड सारे जितनी भी मेरी ये जो रैक है इस सब में होल्स दिए हुए हैं एडजस्ट करने के लिए। आप अपने हिसाब से भी इसे कस्टमाइज करके बना के लगा सकते हैं, आप चाहे तो सेंटर में रख सकते हैं, चाहे साइड में करके रख सकते हैं। तो ये जो वुडन का जो फिनिशिंग आई है वो बहुत ही अच्छी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये और काफ़ी अच्छा निकला है ये फ्रेंड। फ्रेंड चलिए देखते हैं मेरा जो सेकेंड प्रोडक्ट है, ये मैंने मंगवाया है गार्डन किट मंगवाई है अपने लिए, और बहुत ही पसंद आया था मुझे फोटो के अंदर। मैं देखती हूँ इसे ओपन करके कि ये क्या साइज निकला है इसका और ये कैसा निकला है। तो फ्रेंड ये तो मेरी फर्स्ट शॉपिंग थी जिसमें मैंने वॉल शेल्फ और अपनी एक ये गार्डन किट मंगाई है। आप लोग कुछ भी ट्राई कर सकते हैं मीशो से, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट हैं। आप जो भी चीज़ अपने घर के लिए परचेज करना चाहते हैं आपको सब कुछ मिलेगा इस पे, और बहुत ही ईजी है इसको मीशो से शॉपिंग करना, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। साइज है वो भी बिल्कुल परफेक्ट ही आया है, जितना हमें छोटे से अपने गार्डन के लिए चाहिए होता है, ज़्यादा बड़ा प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं होती। तो ये 3 का सेट है फ्रेंड ये, और काफ़ी अच्छा आया है ये। देखिए आप, एक इसके साथ इस तरीके का स्पैचुला है, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसे, और मिट्टी वगैरह उठाने के लिए। और एक इस तरीके का आया है इसके अंदर, और 3rd जो है जैसे हमें मिट्टी ऊपर से हटानी होती है उस तरीके से। बहुत ही क्यूट है और बिल्कुल अच्छे से आप इसको हैंड में पकड़ के अपना काम जो है वो कर सकते हैं,
और लोहे का ही है ये, आयरन का बना हुआ है। अच्छा से एक यहाँ पे ये वुडन का दिया हुआ है हैंड में पकड़ने के लिए, और काफ़ी अच्छे से वुड के अंदर ये स्टिक है। तो 3 का एक ये सेट आया है मेरा गार्डन किट, काफ़ी पसंद आया मुझे ये। और उसके बाद फ्रेंड इसके साथ ही है ये कटर, तो जैसे हम लोग अपनी प्लांट के कटिंग करते हैं, तो मैं अभी सिंपल कैंची से ही करती थी, तो इसके लिए मेरे को ज़रूरत भी था ये कटर की। काफ़ी अच्छा होता है ये और काफ़ी शार्प है ये, तो बहुत ही इजी रहेगा इससे हमें कोई भी स्टेम वगैरह काटनी है। तो एक ही मैंने इसके साथ ये छोटा कटर मंगाया है, देखिए। और फ्रेंड ये जो मेरी गार्डन किट है ये 228 रुपीज़ में है, ये इतने कम प्राइस में आपको दूसरी किसी भी वेबसाइट पे ये चारों नहीं मिलेंगे। तो जो कि मैंने ये मीशो से परचेज़ किया है, मुझे बहुत पसंद आया है ये, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस मीशो के साथ काफ़ी अच्छा रहा है ये। और ये 228 का है फ्रेंड। और फ्रेंड मेरी जो ये रैक मैंने मंगवाई है वुडन वाली, ये है 457 रुपीज़ की, मतलब मेरे को ये वाली रैक 457 में मिली है। आप किसी भी दूसरी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, इस रैक को 1000 रुपीज़ से ऊपर की है ये, और इसका जो वुडन वाला मटेरियल आया है वो भी बहुत ही अच्छा आया है। तो और फ्रेंड हाँ, एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं मीशो से मैंने जैसे ये दोनों प्रोडक्ट जो मंगवाए हैं, तो इसका कोई लिंक नहीं होगा जो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँगी। इसके कोड्स होते हैं, मैं कोड आपको दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा मीशो से, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिए। तो इसके साथ फ्रेंड मुझे मिले हैं ये इस तरीके से नट बोल्ट, दो तरीके के मिले हैं साइजेस में, एक बड़ा है और एक छोटा है। और पूरी रैक को इजीली हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने आप। और जो बड़े वाले जो पेंच मिले हैं वो इस तरीके से, ये जो पीछे के लिए मुझे शेल्फ मिली है इसमें लगाना है, और जो छोटे वाले जो मिले हैं हम लोगों को पेंच, वो इस तरीके से इसमें एडजस्ट करके लगाने हैं अपने शेल्फ के साथ। तो मैं इसे करती हूँ पूरा कस्टमाइज़, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स कि ये किस तरीके से है। यहाँ पर ये देखिए, ये चार होल दिए हुए हैं, इसी से ही हमें छोटे वाले पेंच जो हैं वो टाइट करके इसमें एडजस्ट करने हैं। तो मैं इसको पूरा लगा के देन उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि ये वॉल शेल्फ किस तरीके से लग रही है। और ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने पूरी शेल्फ जो है वो पूरी कस्टमाइज कर ली है, बहुत ही अच्छी लग रही है, जैसे बिल्कुल थी पिक्चर के अंदर सेम वैसी ही ये बनके तैयार हुई है। और काफ़ी अच्छा इसका मटेरियल है वुड का, मुझे बहुत पसंद आई। आप लोग भी फ्रेंड ज़रूर मीशो ट्राई करिएगा एक बार, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा मीशो के साथ। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा शॉपिंग करें अगर आप लोग मीशो से, तो आपको कैसा लगा। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट